तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये हमको दे रखा है और हमें सॉल्व करके बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये है हमारा, इसमें हम क्या करेंगे, देखिए इसमें हम ए माइनस बी, और यहां पर बीच में ये माइनस लगा हुआ है, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो अगर इस माइनस को हम कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये ए माइनस बी माइनस, और देखिए इसके फैक्टर हम कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आपका बन जाएगा ए माइनस बी। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन माइनस ब्रैकेट ए प्लस बी। इसको हम और सॉल्व करके हम लिख सकते हैं ए माइनस बी, और जैसे ही ये माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वन माइनस ए माइनस बी, तो इसमें आपका कौन सा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको फैक्टर करने हैं, तो देखिए फैक्टर करने का क्या तरीका होगा इसमें, तो देखिए ये हमें वन प्लस टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये दिख रहा है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस अगर हम कॉमन लेंगे तो ये आपका वन माइनस, माइनस हमने कॉमन ले लिया है तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका माइनस टू ए बी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहां पर एक माइनस था तो माइनस कॉमन लेने से ये आपका यहां आ गया, अब ये ब्रैकेट में हो गया। अब देखिए ये आपका वन माइनस, और देखिए ये आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए इसमें इसको वन को हम लिख रहे हैं, वन का स्क्वायर लिख रहे हैं, और देखिए ये आपका बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका वन का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वन प्लस ए माइनस बी इंटू, और ये आपका वन माइनस, माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए प्लस बी, तो इसमें से जो आपका मैच कर रहा होगा वही आपका आंसर होगा। तो वन प्लस ए माइनस बी वन माइनस ए प्लस बी, तो ये आपका ए ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो ये आपका 20x² माइनस 45 है, तो इसके फैक्टर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, हम पांच कॉमन ले लेते हैं, पांच अगर हम बाहर से कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4x² माइनस 9 हो जाएगा, और इसे हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू, और ये आपका हो जाएगा 2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। तो अब देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, 5 इंटू, इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 इंटू 2x माइनस 3, ठीक है। तो ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा, डी करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। अब इस क्वेश्चन में हमको फैक्टर करने हैं, तो देखिए हम कैसे करेंगे, x माइनस 64x³ है हमारा, तो देखिए इसमें हम बाहर से x को कॉमन ले लेते हैं, तो x अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका 1 माइनस 64x² हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1x इंटू, और इसे मैं लिख सकता हूं 1 का स्क्वायर माइनस, और ये 64x² को मैं लिख सकता हूं 8x का होल स्क्वायर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, x इंटू, और ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस 8x इंटू 1 माइनस 8x, ठीक है। तो ये आपका बन रहा है, तो ये आपका कौन सा, सी ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसके भी फैक्टर हमको करने हैं, तो कैसे फैक्टर करेंगे, तो देखिए ये हमारे सामने ए स्क्वायर ये हमें दे रखा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, प्लस 4c² हम जोड़ देंगे, और ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस 4ac, माइनस 4ac, और ये आपका माइनस बी स्क्वायर। तो अब ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका a माइनस 2c का होल स्क्वायर बन जाएगा माइनस बी स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से हम कर देंगे इसको,
तो ये आपका a माइनस टू सी प्लस बी इंटू ए माइनस टू सी माइनस बी, ठीक है। तो ऐसा आपको कौन से, ऐसा आपको बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन है हमारा, तो ये 3x क्यूब माइनस 48x है, तो इसमें देखिए हम क्या करेंगे, हम 3x हम कॉमन लेंगे, तो 3x कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 16, 16 हो गया। तो ये क्या कर सकते हैं इसमें 3x इंटू, और ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर माइनस, और 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, तो ये आपका ऐसा बन जाएगा। अब देखिए ये आपका 3x और इसके फैक्टर करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, तो 3x इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4, ऐसा आपको बी ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए तो हम इसमें 2 कॉमन लेते हैं, तो देखिए 2 अगर हम कॉमन लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब ये 2 इंटू, और देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये 1 का स्क्वायर माइनस, और इसे हम लिख सकते हैं 5 एक्स का स्क्वायर, और ये आपका 2 इंटू, और इसके फैक्टर जब करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 एक्स इंटू 1 माइनस 5 एक्स। तो देखिए ऐसा आपको किसमें दिख रहा है, ऐसा आपको सी ऑप्शन में दिख रहा है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो फैक्टर हम कैसे करेंगे, तो पहले हम 2a हम कॉमन ले देते हैं, तो 2a जब हम कॉमन लेंगे तो ये आपका क्या बचेगा, ये 4b स्क्वायर माइनस, और ये आपका क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर, और ये आपका 2a, और देखिए इसके फर्दर हम इसके गुणनखंड हम करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर माइनस 3a का स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 2a, और देखिए ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का रूप बन गया, तो ये आपका हो जाएगा 2b प्लस 3a इंटू 2b माइनस 3a। तो ऐसा आपको कौन सा सी ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए ये आपका है a प्लस b का होल क्यूब है, तो a प्लस b का होल क्यूब ये हम ऐसे ही बना रहने देंगे, और ये आपका माइनस ए माइनस बी है, तो माइनस अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस ए प्लस बी हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें ए प्लस बी हम कॉमन ले लेंगे, तो ए प्लस बी अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये आपका क्या बचेगा, अंदर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, और ये आपका ए प्लस बी इंटू, और इसके हम फैक्टर करेंगे तो ये आपका a प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1 हो जाएगा। तो ऐसा आपको किसमें, ऐसा आपको b ऑप्शन दिख रहा है। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आपका है 150 माइनस 6x स्क्वायर, तो 6 अगर हम कॉमन ले लेते हैं, अगर हम 6 कॉमन लेते हैं दोनों तरफ से तो ये आपका हो जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका 6, और इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा 6 गुणा, और ये आपका हो जाएगा 5 प्लस एक्स गुणे 5 माइनस एक्स। तो ऐसा आपको किसमें, सी ऑप्शन में दिख रहा है, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, हमारा 5 प्लस एक्स इंटू 5 माइनस एक्स ही है।